राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। आयोजित राज्य खेल समारोह में सीएमसाई ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणा की। इसी दौरान सीएमसाई ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से प्रदेश में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ था। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण समारोह पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया। सीएम साय ने कहा कि इस वर्ष 2 बार खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया। इसमें वर्ष 2019 से लेकर 2021 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1,41,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही इस समारोह में 1,36,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की गई है। राज्य खेल अलंकरण राज्य में खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी ने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बूते यह सम्मान हासिल किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होने के बावजूद भी इस बात की पीड़ा है कि पिछले 5 सालों में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण समारोह का पुनः आयोजन का निर्णय लिया। पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1,41,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 तथा 22-23 के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। आज इस समारोह में कुल 1,36,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। आज के दिन हम हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिनकी स्मृति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं।